हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक खूबसूरत सा वॉल डेकोर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसे मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है और इसमें 2 सेंटीमीटर छोड़कर अंदर एक सर्कल और ड्रॉ कर लिया है। अंदर वाला जो सर्कल है उसकी लाइन को मैंने बहुत ही हल्का प्रेशर देते हुए कट किया है और कार्डबोर्ड के ऊपर वाली लेयर को अभी मैं निकाल रही हूँ। तो इससे हमें एक खूबसूरत सा टेक्सचर मिल जाएगा। मास्किंग टेप को छोटे छोटे पीसेज में कट करके मैंने इसके चारों तरफ लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने ली है वॉल पुट्टी और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ फेविकॉल। इसे एकदम अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो स्मूथ पेस्ट बनकर अभी रेडी हो गया है और अब मैं इसे कार्डबोर्ड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। जब फर्स्ट कोट सूख जाएगा तो हमें इसमें सेकंड कोट करना है। ये पेस्ट लगाने से एक तो हमारा कार्डबोर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और दूसरा जब हम इसके ऊपर कलर करेंगे तो वो भी कलर करना भी इजी रहेगा। साइड में भी मैंने पेस्ट लगा दिया है और यहाँ फिर से मैंने वॉल पुट्टी ली है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी हमें ऐड करना है और जब ये अच्छी तरीके से बन जाए तो दोनों हाथों से इस तरीके से इसे रोल करते हुए स्मूथ कर लेंगे और फिर चपाती की तरह बेलकर हमें इसे यूज़ करना है। मैंने कार्डबोर्ड पर एक पेटल की शेप ड्रॉ करके उसे कट कर लिया है। तो इस कार्डबोर्ड को इस प्ले के ऊपर रखकर सारे पेटल्स को कट कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। टूथपिक की हेल्प से मैंने इसके ऊपर टेक्सचर दे दिया है। इसी तरीके से हम सारी पेटल रेडी कर लेंगे। इन पेटल्स को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने ये राउंड शेप कट की है। तो सारी पेटल्स को एक एक करके इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। देखिए सारी पेटल्स मैंने इसमें लगा दी हैं। हाथों में पानी लगाकर गीले हाथों से हमें इसे चिपकाते जाना है। पेटल्स को सपोर्ट देने के लिए इसके नीचे मैंने कहीं कहीं पर कार्डबोर्ड के पीस लगा दिए हैं। ये मैंने कुछ छोटी छोटी सी गोलियां बना ली हैं, तो इसे सेंटर में इस तरीके से लगाते जाएंगे। और अभी मैं इसकी लीफ कट कर रही हूँ। और टूथपिक से इस तरीके से अब हम इसे पत्ती की शेप देंगे। इसी तरीके से हमें कुछ और पेटल्स भी रेडी करने हैं। वॉल पुट्टी और फेविकॉल को मिक्स करके मैंने यहाँ पर एक कोन रेडी किया है, तो इसी से मैं इसके चारों तरफ डिजाइन बना रही हूँ। वॉल पुट्टी का कोन कैसे बनाना है इसका एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ बॉल्स रेडी किए हैं, फिर उसे दबाकर फ्लैट कर दिया है। इस तरीके से कुछ बटन्स की शेप रेडी कर ली हैं। कार्डबोर्ड अच्छी तरीके से सूख गया है और फ्लावर भी अच्छी तरीके से सूख गया है। वॉल पुट्टी डो में थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैंने उसे पतला कर दिया है और उसी की हेल्प से मैं यहाँ पर इसे स्टिक कर रही हूँ।
तो डो से जो हमने बटन्स की शेप रेडी की थी उसे मैंने इस तरीके से चारों तरफ चिपका दिया है। वॉल पुट्टी और पानी के पेस्ट की हेल्प से ही हम ये लीव्स को भी इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। लीव्स और फ्लावर्स के पीछे हमें पेस्ट को अच्छे तरीके से लगाना है, क्योंकि कार्डबोर्ड का जो बेस है उसमें गैप है। ये अभी अच्छी तरीके से सूख गया है, तो अब मैं इसके ऊपर कलर स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर्स का यूज कर रही हूँ। इसके बेस में मैंने डार्क कलर यूज किया है और ऊपर मैंने स्पॉन्ज की हेल्प से डैप करते हुए इस तरीके से लाइट कलर यूज किया है। और लीव्स और फ्लावर्स के बीच में जहाँ पर हम स्पॉन्ज का यूज नहीं कर सकते वहाँ पर मैंने ब्रश से कलर कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का बटन भी जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। यहाँ फ्लावर में मैं क्रोम येलो कलर कर रही हूँ। इसके पेटल में शेड देने के लिए मैंने बर्न शियाना और ऑरेंज कलर को मिक्स करके यूज किया है। और लीव्स के ऊपर मैं सैप ग्रीन कलर कर रही हूँ। फ्लावर में अंदर की साइड मैंने ब्लैक कलर कर दिया है। और बॉर्डर में मैं बर्न शियाना कलर का यूज कर रही हूँ। और इसमें ऊपर की साइड में मेटेलिक गोल्ड कलर का यूज कर रही हूँ। तो ये हमारा खूबसूरत सा वॉल डेकोर बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने क्रिएटिव फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।